तो ये आपको साइड में दिख रहा है, इस साइड पे ये रहा चाइना, मतलब तिब्बत है ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड बाय चाइना। हाँ तो यही है ना चाइना, वो देखो चाइना के लोग खड़े हो, देखो जय जय। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा 4:05, जबकि अभी 2 बजे होंगे मैक्सिमम इंडिया टाइम के हिसाब से, लेकिन ये जो टाइम है ये पकड़ लिया है चाइना का टाइम। जैसा भी किया सर, ऐसे नहीं सर, वहां तिब्बत में पहुंच जाओगे सर आप। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक, और ये मेरा दूसरी बार है इसी राइड में गैंगटॉक में आने का। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं सिक्किम को कुछ दिन के लिए एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली एपिसोड याद नहीं है, बट इतना जरूर याद है कि मैं नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर करके वापस गैंगटॉक में आ चुका हूँ। नॉर्थ सिक्किम में आता है गुरुदोंगमर लेक, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द हाइएस्ट लेक है, इंडिया की सबसे हाइएस्ट लेक है, 17,800 फीट के अराउंड है वो। और लाचुंग युनथांग वैली 0 पॉइंट सारा एक्सप्लोर करके वापस गैंगटॉक में मैं कल आ गया था। तो ये हमें काफी अच्छा एक डिसेंट रूम मिल गया था, हमने ऑनलाइन ही से बुक कर दिया था, लगभग 1300 रुपए हमने पे किए हैं पर रूम। और आज का प्लान हमारा ये है कि आज हम निकल रहे हैं यहाँ से नथुला पास, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। देखते हैं वहां पर कैमरा अलाउड करते हैं नहीं करते, और मैं क्या क्या देख सकता हूँ और आपको क्या क्या दिखा सकता हूँ नथुला पास के रूट में। परमिट लेने की जरूरत पड़ती है, तो हमने कल अप्लाई कर दिया था परमिट, और आज एक और परमिट लेना पड़ता है, मतलब मॉर्निंग में एक और परमिट लेना पड़ता है जो होता है चेक पोस्ट का परमिट, तो वो लेने चलते हैं और आज की राइड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आज के व्लॉग में कवर कर सकते हैं और आपको मैं क्या क्या आज के व्लॉग में दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है परमिट ऑफिस, और यहाँ पर सारे परमिट बनते हैं और इतने सारे पेपर्स हैं भाई साहब, इतने पेपर्स हैं ना जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन हमारी एक छोटी सी ना प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, एक मिनट वो पेपर दिखा ना। हाँ तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसके अंदर इन्होंने क्या नहीं लिखा हुआ, क्या मेंशन नहीं किया, जे एन रोड एंड आर एन रोड लिखना था, ये अभी मेंशन नहीं किया। और अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस तरफ जाने नहीं देंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो अभी ऑफिस है, यहीं पर ही ऑफिस है, ये अभी खुला नहीं है, ये जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम मतलब आगे जा नहीं पाएंगे, है ना। तो इसको लगभग हमें 10 बज चुके हैं, हम देखो कितना टाइम लगता है। सो हम लोगों के परमिट का काम हो चुका है फाइनली, और अब टाइम हो रहा है 10:30। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। लंबा चौड़ा बाइक है, अरे बहुत बढ़िया है बाइक भी, और आपको अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जाइए, ठीक है, थैंक यू भैया। अभी कोई भी जगह थोड़ा खराब है, अच्छा ज़्यादा स्पीड नहीं ले रहा, नहीं नहीं धीरे धीरे चलाएंगे। जाना जैसे घूमने आए हैं ना, अच्छा से घूमने और अच्छा से घर पहुँच। हाँ ये अच्छा बात बोले आप, क्योंकि ऐसा है आदमी बाइक मिलने से क्या होता है कि ज़्यादा एकदम ऐसे करता है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है। आप लोग दिल्ली का, मैं भी प्लेन साइड का हूँ, क्योंकि थोड़ा भी गलती है ना आदमी को, थोड़ा सा भी गलती भारी पड़ सकता है ना। आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन रुके, सिटी में ऐसा जगह है आपको एक दिन प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई बात नहीं, इधर सब सेफ्टी है, सब सेफ्टी है, सही बात, अच्छी बात है, अच्छा से जाना, ठीक है, थैंक यू भैया। लाइन देखो कितनी लंबी है नथुला जाने के लिए, ट्रैफिक जाम हो रखा है, समझो कितनी भीड़ मिलने वाली है ऊपर, हमें इसे इमेजिन कर सकते हो। ओहो वैली देखो कैसे खुल गई, पूरी की पूरी वैली खुल गई, अभी तक एकदम से ऐसे दो पहाड़ों के बीच बीच में ही चल रहे थे हम, और बहुत अमेजिंग व्यू। एनीवेज ये रूट है नाथुला जाने का, नाथुला यहाँ से लिखा है 44 किलोमीटर के आसपास है। सो वी आर एट चांगो लेक, हम चांगो लेक पे पहुँच चुके हैं, खतरनाक क्या है। तो यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और कितने पैसे लेते हो, कितने पैसे लेते हो, 1250 रुपये यहाँ तक घूम के आएंगे। ओह तो ये जो हमारी राइड है ना अभी नथुला पास के लिए, ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट स्टॉप लिया हमने, और लिया कहाँ पर है आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये है एक्चुअली चांगू लेक, और यहीं पर ही हमने बाइक्स खड़ी कर दी। और चांगू लेक पे एक्चुअली क्या है, एक तो व्यू बहुत अच्छा है, दूसरा यहाँ पर हमें बताया गया था कि केबल कार चलती है, तो केबल कार राइड जरूर करना। तो रोप वे पे जाने के लिए टिकट लगती है, और टिकट के प्राइस है यहाँ पर 360 रुपीज़, तो हमने दो बंदों के लिए टिकट ले लिया है 720 रुपीज़ की। तो यहाँ पर चलते हैं रोप वे पे और देखते हैं ऊपर से कैसा कितना खूबसूरत व्यू आता है। ये सही है भाई, बंद बंद है तो इतनी ज्यादा ठंड भी लग रही है। हाँ एक्चुअली यार अभी
बहुत ऊपर जाना है। पता है मुझे। तो ये रहा लेक का व्यू और ये रहा अभी सामने बहुत ऊपर, और हम देखो नीचे से ऊपर कितना आ गए। तो जस्ट हम अभी अपनी केबल कार राइड करके ऊपर पहुंचे हैं और ये लेक का व्यू है जो हमें एक्चुअली नीचे दिख रहा था। आप उधर का वेदर देख रहे हो, उधर कैसे वेदर चेंज हो रहा है बिल्कुल, और उधर जो है पूरी स्नो कवर्ड माउंटेन्स है उधर सारे जितने भी आपको दिख रहे होंगे। अभी हमें उस साइड पे ही कहीं पर जाना है क्योंकि नथुला जाना है, नथुला उतनी ऊंचाई पे ही होगा। और अभी जो केबल कार वाला एक्सपीरियंस है ना वो अल्टीमेट है। ये तो एक साइड का व्यू है और एक्चुअल जो व्यू उधर से भी है ना, इधर से भी बहुत खूबसूरत व्यू है। ये देखो क्या व्यू दिख रहा है यार। और यहाँ पर लोग अभी ना कच्चा बादाम वाला डांस कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। दिखाता हूँ मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। वाओ, वो आपको दिख रहा है रूट? मैं एक मिनट जूम करता हूँ, देखो तो यही वाला रूट ना अभी हम करके आए हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। और इस समय इतनी ठंड हो रही है, इतने हाथ मेरे जम रहे हैं ना। सो एक्चुअली इस समय इतनी ठंड हो रही है, इतने एक्चुअली हाथ फ्रीज हो रहे हैं ना। अभी तक नीचे ऐसा वेदर नहीं था, एक सडनली ऐसा वेदर चेंज हो गया कि अगर मैंने अभी फिलहाल में ग्लव्स नहीं पहने ना तो लग रहा है कि ग्लव्स की बहुत बुरी तरह से जरूरत है। तो अभी हम कुछ इस ऊंचाई पे हैं। भाई साहब मैं अकेला होता ना तो मेरे को तो पता नहीं हार्ट अटैक आया था। और पूरी रेंजेस दिख रही है माउंटेन की, बहुत ऊपर है। मुझे लगा तो थोड़ा सा ही होगा है शिवम, बहुत ज्यादा ऊपर है यार। 14,900 फीट ऊपर की हाइट है। और ठंड कितनी थी ऊपर यार, बहुत भाई, हाथ जम गए, जेब में भी डालने में लग रहे हो, है ना। कैसे हो यार? तो अभी हम लोग वापस नीचे आ चुके हैं, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट किया, एक घंटा में लगभग लग गया। जब हम गए थे ना तो थोड़ी बहुत धूप थी, अभी आए हैं तो बिल्कुल ही मौसम बदल चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं और अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। अल्टीमेट जब आओ ना तो इसको मिस नहीं करना, मिस नहीं करना ना। बिल्कुल नहीं भाई, चलो यहाँ आने का यही मतलब है, केबल कार पे जाओ जाओ। तो अभी हो गया 1 बज चुका है और अब हम निकल रहे हैं। हमारा जबकि प्लान था हमें 12 बजे या 11:30 बजे तक हमें नथुला पास पे होना चाहिए था। वो ऑब्वियसली सुबह से लेट चल रहा, तो कब कोई बात नहीं, चल रहा तो चलने दो। लेकिन ये देखो लोगों का हुजूम, वाह 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 बेटे वाह, मौज कर दी। बट अभी एक लोकेशन दिखी जहाँ पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। चीन की विस्तारवादी नीति का अहम हमने गिराया है, सड़क और पुल बनाकर सरहद तक गोला बारूद पहुंचाया है। तो क्या प्राउड मूवमेंट इस समय फील हो रहा है। सबसे पहले बता दूं इस समय इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है। बाइक्स एक्चुअली हमने यहीं पर ही पार्क कर दी, और एक्चुअली पार्किंग एरिया यहीं पर ही है, सारी बाइक सारी कार्स यहीं पर पार्क होती है। और वहाँ पर एक बड़ा बड़ा लिखा है प्राउड टू बी एन इंडियन, और वहाँ पर इतनी सारी क्राउड है और इतने सारे लोग हैं। और देखते हैं वहाँ से हमें क्या दिख सकता है व्यू, और कितना हम करीब जा सकते हैं चाइना बॉर्डर के। और मज़ेदार बस एक ये है कि यहाँ पर स्नोफॉल के चांसेस लग रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है। आई विश थोड़ी सी गिर जाए तो यू नो एक सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाएगी। तो फटाफट ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है नथुला पास और लास्ट पॉइंट अपनी कंट्री का यहाँ पर। सर यहाँ पर वेदर इतना जल्दी ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, मैंने ज़्यादा बताया बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लोगों की तो लाइन लगी हुई है। अब हम यहाँ से ना ऊपर आ चुके हैं, जो आप व्यू देख रहे हो एक्चुअली हमारी बाइक वहाँ पर पार्क है, और वहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर पूरी लाइन लगी हुई है और सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियों पर एक्चुअली जाने का रास्ता है, वहाँ पर चाइना बॉर्डर बेसिकली तिब्बत है वो तो, और फिर भी चाइना की आर्मी है तो चाइना बॉर्डर बोल सकते हैं। और अभी अपना फोन दिखाना, ये देखो यार। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा 4:05, जबकि अभी 2 बजे होंगे मैक्सिमम इंडिया टाइम के हिसाब से। लेकिन ये जो टाइम है ये पकड़ लिया है चाइना का टाइम, और ये हमारे पास जो है दोनों के पास इस समय आईफोन है। तो आईफोन में ये नहीं है कहीं आप बोल सकते हो ना कि चाइनीज फोन है, शाओमी का फोन है, एमआई का फोन है, एप्पल के फोन के ऊपर भी चाइना का यहाँ पर अभी टाइम पकड़ रहा है 4 बजे। जबकि यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा, कोई सिग्नल भी नहीं है, पता नहीं कैसे टाइम आ गया। यहाँ पर भी हुआ, और जब मैं नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल गया था, मेचुका तो नहीं, काहो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, चाइना का टाइम पकड़ लिया था। तो आगे चलते हैं, कहाँ से आए अभी आप?
यूपी बिहार से आयो? बिहार में कहाँ से? अरे गोपालगंज, क्या बात है। तो देखो इतनी इतनी दूर से यहाँ पर लोग आ रखे हैं। तो यहाँ पर अब एक्चुअली दिख रहा है नथुला का बोर्ड जो है। तो अभी हम कुछ यहाँ पर है नथुला पास, एक मिनट एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नथुला पास 14,140 feet पे अभी हम, और अभी आएंगे यहाँ पर फोटो खिंचाएंगे, पहले आगे चलते हैं। वाह, तो अभी हम ऐसी लोकेशन पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ से सीढ़ियों में चढ़ चढ़ के ऊपर जाना है, और यहाँ पर एक्चुअली एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है। अभी हम आगे से जाएंगे और उसके बाद कैफेटेरिया जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय। तो कुछ ऐसे यहाँ पर नारे लगा रहे हैं चाइना बॉर्डर के बाद ही। तो हम बिल्कुल आ चुके हैं अभी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे, जहाँ चाइना की आर्मी खड़ी हुई है। आगे है, थोड़ा सा आगे है, थोड़ा आगे बर्फ ले सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं तिब्बत बॉर्डर के, जहाँ पर चाइना की आर्मी खड़ी हुई है। तो जहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं बता रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आमने सामने ही है। तो ये भी बहुत एक यूनिक है ना, बहुत मूवमेंट वाली बात है कि हम बिल्कुल उनके पास जाके अपने बॉर्डर पे इतना फ्रीली आ पाए। हाँ ये है एक हाँ जी। अच्छा था भैया, अच्छा था, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है इंटरनेशनल बाउंड्री, तो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते। क्या हो गया, बेहोश हो गए? ओह शिट, सर यहाँ पे भीड़ कम करो, भीड़ कम करो। अरे आप लोग साइड हो जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही लोग ही हो गए यहाँ पर। तबीयत खराब बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। सो गाइस आपको ये वाली राइट साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये जो है ये चाइना के अंडर आता है, ये जो आपको साथ में दिख रहा है, तो ये है इंटरनेशनल बाउंड्री। मतलब ये समझ लो हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं। बिल्कुल बॉर्डर पे, क्या खड़े बॉर्डर पे? चाइना एंटर हो गए? नहीं, चाइना तिब्बत, तिब्बत एंटर हो गए, तिब्बत। So guys, यहाँ पर चाइनीज में लिखा हुआ है, इसका मतलब हम चाइना के बिल्कुल यहाँ पर है। चाइना मतलब तिब्बत है बेसिकली, ये है। हाँ तो यही है ना चाइना, देखो चाइना के लोग खड़े हो देखो। तो ये आपको साइड में दिख रहा है, इस साइड पे ये रहा चाइना, मतलब तिब्बत है ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड बाय चाइना, बट ये देखो गजब, इतनी पास से तो आज तक नहीं देखा भाई, इतनी पास से तो आज तक नहीं देखा। तो अभी हम वापस शेयर से उतर रहे हैं, लेकिन अभी यकीन मानो हमने इतने लोगों को देखा, इतने लोगों को देखा, इनकी तबीयत खराब हो रही है। ऑक्सीजन का यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, जिनको हैबिचुअल इतने नहीं है वो लोग, मतलब छोटे छोटे बच्चे तो मोस्टली 10-12 तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, खड़े खड़े सो रहे हैं, लेट रहे हैं, और बड़ों को भी देखा है, लेडीज जेंट्स सब यहाँ पर, सबकी हालत खराब हो रही है। तो ये होता है यहाँ पर 14,000 feet पे, लेकिन हम लोग थैंक गॉड सर्व टू इंडियन आर्मी जो यहाँ पे काम करती है। वो पता जैसे ही देखा ना वो बेहोश हो रहे हैं, फटाफट भागे दो ऑफिसर्स को हमने देखा, और फटाफट पानी लेने भागे, ऑक्सीजन पता नहीं लेने भागे। तो वो इतने प्रोएक्टिव है कि किसी की तबीयत खराब हो रही है तो बिल्कुल भागे वो। तो दिस इज आवर इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ।
अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं वापस, और लेकिन जो भी बोलो ठंड बहुत आया। थैंकफुली, थैंक गॉड, हम लोग इतने हैबिचुअल हैं, मैं अपना तो बोलूंगा कि मैं इतना हैबिचुअल हो चुका हूँ कि मैं मतलब मुझे इतना माउंटेन पे इतनी हाइट पे कुछ होता नहीं है, पुराने की कृपा है। सो अभी हम आ चुके हैं कैफेटेरिया एरिया में। एक्चुअली ये उसी पॉइंट के जस्ट 10 सीढ़ियां नीचे उतर गई है, और भीड़ आप देख सकते हो यहाँ पर खाने के लिए कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं था, खाली यहाँ पर थे पॉपकॉर्न, हमने पॉपकॉर्न ले लिए, और यहाँ पर कॉफी जो थी अभी खत्म हो चुकी है। आप देख रहे हो ये हाल है इस समय, इतनी ठंड है। और अभी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हमें मिले, हम उनसे बातें भी कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो चाइना की आर्मी है ना वो एक्चुअली क्या है, वो अंडरग्राउंड ही रहती है, वो ज़्यादा बाहर आती नहीं है क्योंकि इतना ठंडा वेदर है, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर आके खड़ा हो सके। और इंडियन आर्मी ने इतना कर रखा है कि यहाँ पर टूरिस्ट तक पूरा खड़ा हुआ है, उनका एक्चुअली टूरिस्ट आता है, बता रहे थे ना टूरिस्ट आता है, उनका भी आता है, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर नहीं आया, लेकिन उनका पॉइंट दूसरा है, इतना पास नहीं आता जितना यहाँ पर हमारा आ जाता है। और प्राउड फीलिंग यहाँ पर होती है कि इंडियन आर्मी की वजह से हम लोग यहाँ पर आज खड़े हैं। और एक बार लोहे की तार है वहाँ पर तिब्बत है और यहाँ पर इंडिया है, इस तरफ उनका ऑफिस है, इस तरफ हमारा ऑफिस है, और फ्लैग्स लगे प्राउडली हमारे इंडिया के और इंडियन आर्मी के, तो ये है प्राउड मोमेंट। तो अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट नीचे क्योंकि ठंडा होता जा रहा वेदर, और हमारी राइड अभी आगे बहुत है, तो चलो। तो यहाँ के जो सीन्स है ना वो बिल्कुल बदल चुके हैं, अगर आपको जस्ट मेरे पीछे देखेगा तो चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स है। अभी हम क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हमारी बाइक कोशिश करेंगे अगर नथुला के पास जो बोर्ड है ना यहीं पर, यहाँ में लाने की पहले परमिशन नहीं मिली, लेकिन अब कोशिश करते हैं बाइक अगर ऊपर तक ला सके। हमारी बाइक एक्चुअली यहाँ पर नीचे खड़ी है, आपको दिखेगा तो हमारी पास वहाँ खड़ी है, अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हमें ऊपर लाने की परमिशन मिल गई या कुछ भी हो तो एक फ़ोटो क्लिक कराना बनता है, क्योंकि हम तो पहुँच गए, पहुँचाया तो बाइक ने है ना, तो एक फोटो उसके साथ भी क्लिक भरना बनता है। हर कोई यहाँ पर खुश है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सब जा रहे, तो अच्छा खासा शोर क्राउड मच रहा था। सो अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ इसमें नथुला टॉप पे, और एक्चुअली यहाँ पर अपनी बाइक लेके आ चुका हूँ, यहाँ पर ज़्यादा किसी को परमिशन मिल नहीं रही है, पर यहाँ पर हमने जो पुलिस ऑफिसर थे आर्मी है उनको हमने रिक्वेस्ट किया, उनको बताया हम कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है फटाफट कर लो, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, तब से मैंने रिक्वेस्ट करी सर मैम थोड़ा सा अर्जी है मुझे अपनी बाइक के साथ एक वीडियो, और मेरे लिए लाइफ टाइम मोमेंट है क्योंकि ये रहा तिब्बत, ये रहा जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और वी आर वेरी प्राउड मोमेंट, अभी मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि इंडियन आर्मी की वजह से यहाँ पर मैं मतलब यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। जस्ट हार्डली ये 50 स्टेयर्स के पीछे ही है, वहाँ पर PLA बैठी है, चाइना की आर्मी बैठी है, एंड कैसा फीलिंग हो रहा है यार बताओ, अल्टीमेट इतना प्राउड मोमेंट है ना हम लोगों के लिए, कि मतलब पहले तो हमारी बाइक नहीं लगती, हमने परमिशन मांगी, एंड दे वर सो स्वीट कि उन्होंने परमिशन दे दिया हमें, उन्होंने समझा कि हम दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ बस आराम से फोटो खिंचवानी थी, और बहुत मजे किए हमने, मजे किए हमने, प्लस लोगों ने भी देख के मतलब उनको भी लगा दिल्ली से यहाँ तक लोग आए हमारी बाइक के साथ, फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये रहा अपना मोमेंट, प्राउड मोमेंट। तो अब यहाँ से चलते हैं, और बहुत लेट हो गए और आगे निकलते हैं अब। तो सर मेरी बाइक पे बैठ के सर क्या कर रहे हो, एक बार फिर कर दो, क्या कर रहे हो, एक बार कर दो जैसा अभी किया। सर चाइना पहुंच जाएंगे सर, ऐसे नहीं सर, वहां तिब्बत में पहुंच जाओगे सर आप। टोटल अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतनी ज्यादा तेज ओले गिर रहे हैं, इतनी ज्यादा तेज ओले गिर रहे हैं, पूरी की पूरी वाइट हो चुकी है, और मेरा GoPro नहीं लगा, इसका GoPro भी नहीं लगा, बाइक पूरी 360 घूम गई और पूरी धड़ाम, क्या हुआ, इजी चलो।